संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। ये है हमारे कोविड योद्धा जो हमें और अपने देश को बचाने के लिए अपना घर परिवार और बच्चों को छोड़कर अपने अपने काम पर तैनात है। नन्ही सी हंसी भोली सी खुशी फूलों सी वो बाहें भूल गए जब देश ने दी आवाज हमें। हम घर की राहें भूल गए। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरजू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरजू। हिमालय से ऊंचा साहस है उनका जो दिन रात हर मौसम में बॉर्डर पर तैनात रहते हैं ताकि हम चैन की नींद सो सके, अपने घरों में सुरक्षित रह सके, जिन्हें ये तक नहीं पता कि वो अपने अगली सुबह देख पाएंगे भी या नहीं। तपती धूप में नंगे पाव हल चलाने वाला, देश के हर एक नागरिक का पेट भरने वाला, खून पसीना एक करके फसल उगाने वाला, हाँ यही हमारा किसान है वो। झाड़ू हाथ में लिए पूरा देश साफ करने चला वो, स्वच्छता को ही अपना धर्म मानकर देश की सेवा करने चला वो। तुम करते सेवा का दान हो, इस संकट की घड़ी में तुम साथ हो, कर रहे हो तुम सबका इलाज हो, इस चुनौती में तुम महान हो, और तुम्हारे कर्तव्य को हमारा बार बार सलाम हो। खाकी में नींद कहाँ आती है साहब, दिन रात धूप बरसात में देश की सेवा के लिए हर वक्त तैनात। एक सामाजिक कार्यकर्ता जो जरूरतमंद लोगों के मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है। मजबूर हुई जब दिल की दुआ तो हमने दवा से काम लिया, वो नब्ज नहीं फिर थमने दी जिस नब्ज को हमने। बीमार है जो किस धर्म का है हमसे न कभी यह भेद हुआ, सरहद पे जो वर्दी खाकी थी उसका रंग सफेद हुआ। इस कोरोना जैसे भयंकर महामारी को हमें हराना है तो डॉक्टर्स ने दिए गए नियमों का पालन करें, हैंड सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंस, मास्क का उपयोग करें।
ज्यादातर डॉक्टर्स भगवान का रूप होते हैं, पर आज ऐसा लगता है कि कोरोना वायरस से लड़ने की इस चुनौती की घड़ियों में भगवान ने ही डॉक्टर्स का रूप ले लिया है। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा।